जैसे आप जैसे मुलाजिम जाएगा आप मोबाइल रिचार्ज कराने पर भी आपको मिलेगा बिजनेस बोनस, इसके अलावा डीटीएच रिचार्ज कराओगे उस पर भी मिलेगा बिजनेस बोनस। अब देखो कोई आशीर्वाद प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे सारा रिचार्ज तो कराएगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करेंगे उस पर भी मिलेगा बिजनेस। यूटिलिटी बिल्स में जितने टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, डीटीएच का, ऐसे बहुत सारे भी होते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर इस पर आपको मिलने लगा सोचो बिजनेस का सीन क्या होगा। यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलिए। देखो धमाका बिजनेस वॉल्यूम ना देखा जाए, नगर गैस आ चुका है, ये अभी ऑलरेडी आपको लॉन्च हो चुके हैं। फूड में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आपको ऑलरेडी मिला ऑनलाइन में। और अन्य रेस्टोरेंट और मिलेगा आपको वो है मोबाइल एक्सेसरीज, जितने मोबाइल की एक्सेसरीज है वो भी आने वाले समय में आपको मिलेंगे। और बताओ आपको एलईडी वॉशिंग मशीन है ना, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें लॉन्च होगी। ये मालूम कब होगा क्या? जिस दिन आश्रम में लाख दो लाख लोग ऑनलाइन परचेजिंग चालू कर देंगे उस दिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां खुद हमारे पास में आएगी, वो से हमसे टाई अप करो और हमारा माल भी आपके आश्रम में। उस तरह से हम लोग लाखों प्रोडक्ट लाभ देंगे, है ना। और दिखाओ और देखो धमाका वो है। और आपके लिए खुद कंपनी है, इसी साल में लेडीज कॉस्मेटिक लॉन्च होने वाला है। इमिटेशन ज्वेलरीज का मार्केट है, ये भी इसी साल में लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है। और देखो आपको डिजाइन और जब वो लॉन्च होगा पता नहीं कितनी सारी पीने निकलेगी। दिखा दो, दिखा दो, बटन दबा दो, ये देखो धमाका। भविष्य में ये भी लॉन्च होगा, सोचो बिजनेस क्या होगा। और दिखाओ एक प्रोडक्ट और है जो धमाका करेगा, दिखा दो वो है जब धमाका। आप मूवी देखने जाओगे उस पर भी मिलेगा बिजनेस। और जब धमाका धमाके का प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेसिंग करोगे, फूड खरीदोगे स्विगी से, जोमेटो से, ऐसे और बहुत सारे ऑनलाइन है। मालूम पड़ा पाव भाजी 50 रूपया, बिजनेस रूम 15 रूपया। ऐसा ऑनलाइन फूड पर भी आपको मिलेगा बिजनेस। और दिखाओ और दिखाओ और देखो धमाका जो हेरा कर देगा वो है सब्जी और फल खरीदोगे उस पर भी मिलेगा बिजनेस। यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन क्या फायदा है, क्या लेकर आए। और दिखाओ जिसमें आश्रम का पेट्रो कार बन सकता है ना, पूरे इंडिया में मान लो एसपी या इंडियन ऑयल किसी में खरीदोगे पेट्रो कार से पेमेंट करोगे उससे मिलेगा बिजनेस। और लेकिन फायदा किसको मिलेगा? जो 5 साल टिक पाओगे, टिक पाओगे। और जब धमाका वो है कांग्रेस, ये आ चुके हैं, ये भी आ चुकी है। और आने ये आपको
काफी एक्सेसरीज, इसमें और भी बहुत सारे इन्वेंशन और नई चीजें आएंगी ना। यानी अगर आप टिक गए तो आने वाले इस साल में आपकी इनकम बहुत बढ़ने वाली है। ये देखो आपका बिजनेस का स्पीड बढ़ने वाला है, ऐसा बिजनेस बढ़ेगा इस गति से और इनकम बढ़ेगी इस गति से। और अगर 5 साल टिक गए तो बिजनेस बढ़ेगा इस गति से और इनकम बढ़ेगी इस गति से। मतलब देखोगे आप पलक झुकाओगे 10,000 की इनकम, पलक झुकाए 20,000 की। दस साल टिक गए, इतना पैसा आएगा आसिम से आएगा कि पैसों से घृणा हो जाएगी, पैसा देते उल्टी है। इतना पैसा आएगा, लोग फोन करें कंपनी बोले सर मैं लेते लेते घर पे रहा हूं, घर में भी जगह नहीं है, बैंक वाला भी मना कर रहा है, एक काम करो मेरा फंड ट्रांसफर बंद कर दो। और आने वाले 10 साल बाद आप हवाई जहाज भी नहीं उड़ोगे, आप उड़ने वाले हो इसमें। कितने लोग उड़ना चाहते हैं इसमें? हमें इच्छा है या इच्छा शक्ति है? तो एक बार बोलो इधर। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। एक नया इतिहास रचाने धरती पर आसियम आ गया। इसीलिए किसी ने कह दिया था कि नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय। वो परिवर्तन का समय आया नहीं है, चालू हो चुका है। और एक नया इतिहास रचाने धरती पर अगले 10 साल तक आप टिक गए, 5 साल 10 साल, तो मान के चलो आप सब लोग आश्रम का बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हो। टिक पाओगे? यस। मुझे बताओ कि आश्रम हमसे कुछ लेता है या देता है? आप किसी को आश्रम में लेके आ रहे हैं उससे कुछ ले रहे हैं या उससे कुछ दे रहे हैं? तो ये बिजनेस गर्व से करना चाहिए कि शर्म से करना चाहिए? तो एक बार सब लोग खड़े हो जाओ और सब लोग गर्व से अपना हाथ ऊंचा करो और सर ऊंचा और सब लोग बोलो मुझे गर्व है, मुझे मैं आश्रम बिजनेस करता हूँ, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है आश्रम के सामानों पर, आश्रम के सामानों पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है आश्रम की शिक्षा पर, आश्रम की शिक्षा पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है आश्रम की सेवा पर, आश्रम की सेवा पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है अपने अपलायन पर, अपने अपलायन पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है न्यूट्रीचार्ज पर, न्यूट्रीचार्ज पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है इस शिक्षा में,